बोलिए सदगुरु देव की जय। बहुत देर से सुन रहे हैं, लगता है सब ठंडे हो गए हैं, थोड़ा जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री साहेब जी की आज्ञा हुई है, आज्ञा पालनार्थ कुछ क्षण आप सबके बीच उपस्थित हूँ। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है और वो जब इस धरती पर आता है तो एक बग अनभिज्ञ अनजान होता है। जब वो धीरे 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 बड़ा होता है तो उसे एक गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये प्राकृतिक देन है कि यदि इस मनुष्य के बच्चे को यदि कुछ सिखाया ना जाए, कुछ समझाया ना जाए, कुछ बताया ना जाए, तो शायद ही वह कभी कुछ जान पाएगा। और प्राणियों के बच्चे को आप देखें, गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो बछड़ा जन्म लेते ही दौड़ना शुरू कर देता है। उसे सिखाना नहीं पड़ता कि तुम ऐसे दौड़ो या ऐसे खाओ, ऐसे पियो। उसे प्राकृतिक रूप से ये चीजें मिली होती है, किंतु इंसान जो धरती तल का सबसे सिरमौर प्राणी माना जाता है, इसे सिखाया जाता है। लेकिन इसके सीखने की क्षमता असीमित है। जिसे पहले से सिखाया जो जीवन मिला होता है वो सीमित होता है, और जिसे सिखाया जाता है, जिसे बताया जाता है, जिसे समझाया जाता है, उसका जीवन, उसका समझने की शक्ति असीमित। हम इस धरती पर पैदा हुए हैं, इस धरती पर जन्म लिए हैं, हमने आज तक क्या क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा है। एक होता है भौतिक जीवन और दूसरी होती है आध्यात्मिक जीवन। भौतिक जीवन वह है जहां हम रहना, खाना, पीना, उठना, बैठना और ज्यादा हुआ तो कुछ कमाना धमाना, ये सब सीख जाते हैं। और इसके लिए इस धरती पर अनेक टेक्नोलॉजी, अनेक साधन, अनेक उपकरण, अनेक विश्वविद्यालय, कॉलेज, हर चीज पर एक विशेष रूप से व्यवस्था है। अफसोस कि इस जिंदगी को जीने का तरीका सिखाने के लिए कभी कोई टेक्नोलॉजी, कभी कोई व्यवस्था, कभी कोई ढंग, कभी कोई तरीका आपको देखने में नहीं मिलेगा। एक बच्चा जन्म से कुछ साल बाद ही बोलना शुरू कर देता है, बोलने की कला सीखने लग जाता है और धीरे 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 बढ़ते क्रम में वह सीखता ही जाता है। पर अफसोस, जिंदगी के आखिर में, जिंदगी के एंड में, अंत में वो यह नहीं समझ पाता कि कैसे बोलना है, कब बोलना है, कहां बोलना है। सीखता सब हर समय है, उसके बावजूद वह नहीं सीख पाता। क्यों? क्योंकि उसे क्लाइमेट नहीं मिलता, उसे माहौल नहीं मिलता, उसे वो अवसर नहीं मिलता। वो अवसर क्या है? वो अवसर जहां आप आज बैठे हैं वही जगह है।
ये वो जगह है जहां तकदीरें बदल जाती है। एक भजन में आप सबने सुना होगा कि ये वो दर है जहां तकदीरें बदल जाती है, होनी अनहोनी घड़ियों में बदल जाती है। ये वो जगह है, ये वो स्थल है जहां आपके मन का परिवर्तन होता है, आपके मानसिक स्थिति का परिवर्तन हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन ही आपका जीवन है, मन ही आपका जीवन है। यदि आप चाहें कि मैं अपने जीवन को सुंदर बनाऊं, अच्छा बनाऊं, तो आप क्या बदलेंगे? जैसे आपके पास घड़ी है, वह घड़ी सही समय न दिखाता हो तो आप उसके कुछ पार्ट्स बदलवा सकते हैं, या फिर ज्यादा खराब हो जाता है तो सीधा आप घड़ी ही बदल देते हैं। किंतु ये जिंदगी आपको जो मिली है, इसे आप पूरा तो नहीं बदल सकते। आप इस जिंदगी को छोड़ के नई जिंदगी आप ले लें और उसे अच्छे ढंग से जी लें, ऐसा आपके बस में नहीं है। आपको करना क्या है, इस जीवन में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है, कुछ बदलाव की आवश्यकता है, और वो बदलाव है आपके मन का बदलाव। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा? आपको अपने मन को बदलना होगा। क्यों? क्योंकि मन ही जीवन है, बाहर जीवन नहीं है। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने एक बहुत पतली सी पुस्तक लिखी है, जीवन क्या है। वो पुस्तक आप चुप हाथ में लेंगे और पन्ना जैसे ही पलटेंगे, सबसे पहले ही एक छंद है, उसमें यही लिखा है कि तन जीव मिलन की स्थिति यह जीवन की बेला है, कोई ना किसी का यहां बस दो दिन का मेला है। ये जो आपको तन और जीव के मिलन की जो स्थिति मिली हुई है ना, यही जिंदगी है। तन शरीर और जीव आत्मा, इन दोनों का जो संगम काल है, ये जब तक आपके शरीर में विराजमान है तब तक आपको समय मिला हुआ है। किस लिए? एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, एक अच्छा समय जीने के लिए, एक अच्छा अवसर बिताने के लिए। और आपको, हम सबको करना क्या है? बस अपने मन को संवारना है। अपने जीवन को संवारने का मतलब ही है कि आप अपने मन को संवार लें। आप चाहते हैं कि मुझे दुख ना हो, मुझे पीड़ा ना हो, मुझे कष्ट ना हो, तो आप क्या करेंगे? जैसे आपके तन में दुख होता है, आपके शरीर में कोई बीमारी हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? एक उसका स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर जिसे हम कहते हैं, उसके पास हम जाते हैं, अपने रोग का इलाज करवाते हैं, वो दवाई देता है, हम दवाई खाते हैं, हमारा रोग ठीक हो जाता है। वैसे ही जो हमारे जीवन में मानसिक दुख हैं, मानसिक पीड़ाएं हैं, उससे हम कैसे छुट्टी पाएं? उसके लिए ही सद्गुरु संतजन ये सत्संग, ये भजन, ये ज्ञान की बातें जो हमें बताते हैं, वो इसी के लिए है। क्योंकि हम अनादि काल से मानसिक तनाव से पीड़ित हैं। मैंने कहा ना, एक होता है भौतिक जीवन और दूसरा होता है आध्यात्मिक जीवन। भौतिक जीवन को आप अच्छा बनाने के लिए किसी स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में एडमिशन लेकर के अब अपने जीवन को कैसे खर्च करें, कैसे निवेश करें, कैसे आपके पास आए हो, ये सारा तरीका आपको आपको मिल जाएगा। जैसे आपके पास पैसे की कमी है, आजकल सब का यही मानना है कि दादा बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो आपको एक तरीका मिल जाता है वहां कि आप कैसे पैसा कमाएं और उसको कैसे निवेश करें, कैसे खर्च करें। लेकिन जो जिंदगी मिली है, इसको कैसे जीना है, इसको कैसे आप अच्छा बनाएं, इसको कैसे संवारें, ये ढंग, ये तरीका आपको यही मिल सकता है। और ये वही जगह है जहां संतों का, गुरुजनों का जो ज्ञान है वो हम सबको मिलता है। और आज गुरु पूर्णिमा का अवसर, ये गुरु पूर्णिमा एक उत्सव का दिन क्यों है?
क्योंकि आज से हजारों साल पहले से जो परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा में ये माना जाता है कि जो संत हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जिसे हम सदगुरु कहते हैं, वो अपने ज्ञान, अपने वक्तव्य को घूम घूम कर बांटा करते थे। शहर के, देश के हर कोने में जाते थे और उनका जो सिलसिला है वो हमेशा लगातार चलता रहता था, क्योंकि ठंडी गर्मी में उनके पास अवसर होता था। पहले के समय में बरसात जब शुरू हो जाती थी तो संतों को निकलना थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं होता था कि वे कहीं भी जाएं और बरसात में भीगते भीगते जाएं या जैसा भी होकर जाएं और वहां वक्तव्य दे सकें। तो वो कहीं एक जगह स्थायी निवास करते थे और स्थायी निवास करके किसी एक जगह पर रह करके अपना वक्तव्य देते थे, अपने ज्ञान का ज्ञान की बात बताते थे। और उसी दिन से फिर ये गुरु पूर्णिमा का परंपरा शुरू हो जाता था कि आज से हम यहाँ रहेंगे और संत, जो संत हैं, भक्त हैं, आगंतुक हैं, उन्हें हम बताएंगे। तो ये परंपरा अनेक वर्षों से चली आ रही है और ये वही दिन है जब जो गुरु होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, वो अपने ज्ञान का सिलसिला एक स्थायी जगह पर रह करके प्रारंभ करते थे। तो हम सब इस अवसर पर पधारे हैं और इस अवसर पर आज एक ही बात याद रख लें कि हम अपने जीवन को बदलने का काम करें, जो आज तक बीता उसे भूल जाएं, बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुधि ले। यदि हमारे जीवन में आज तक कोई भी दुख, कोई परेशानी, कोई कष्ट थी तो उसे आज से भूल जाएं और अपने नए जीवन की शुरुआत करें, क्योंकि जो आने वाला कल है वो आपका बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुखमय है, बहुत सुनहरा है। इसे आप सुखमय और सुनहरा बनाने के लिए आज अभी और इसी वक्त तैयार हो जाएं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।